केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रदान किया राष्ट्रपति ध्वज पदक, कहा गौरवशाली रहा है असम पुलिस का इतिहास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगली जनगणना 100% सटीकता के साथ पूरी तरह से होगी डिजिटल, जोड़ा जाएगा जन्म व मृत्यु रजिस्टर, 2024 तक पूरी होगी जनगणना। देशद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच व पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार। शीर्ष अदालत ने ऐसे मामलों की जांच होने तक संबंधित याचिकाओं पर विचार न करने का किया आग्रह। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया कार्यालय पर रॉकेट चलती ग्रेनेड से हमला, मुख्यमंत्री ने डीजीपी व खुफिया अधिकारियों के साथ की बैठक, सख्त कार्रवाई की कही बात। 84 वर्ष की उम्र में प्रख्यात संतूर वादक पद्म भूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार का मुंबई में हृदयघात से निधन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व केंद्रीय नेताओं ने जताया शोक। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा चक्रवात असानी, आज रात तक आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट तक पहुंचने की संभावना, चक्रवात असानी के चलते चेन्नई से 10 उड़ानें रद्द। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर, श्रीगंगानगर के सूरत गांव में 4 जिलों के बूथ संभाग स्तरीय संकलन सम्मेलन में 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से जारी अब तक के देश के सबसे बड़े IPO को सभी श्रेणी के निवेशकों का मिल रहा भारी समर्थन, IPO की 3 गुना ज्यादा बिक्री, 12 मई को होगा शेयरों का आवंटन। उबर कप में भारतीय बैडमिंटन टीम का शानदार प्रदर्शन जारी, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अमेरिका को हराया, सिंधु आकर्षी व अश्मिता ने जीते सिंगल्स मुकाबले, युगल मुकाबले में तनिषा और टेरिसा ने दिलाई जीत।